वेलकम बैक। सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 9:15। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि रात में 4:15 बजे ही पहुंच गए थे, रात में क्या मॉर्निंग में, और आ गए अपने कॉलेज। और यहाँ वेट कर रहे हैं, थोड़ा पहले ही आ गए हैं। खाली कॉलेज के चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं, अभी बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। और गजब पीछे भी बहुत बड़ा सा है, यहाँ कॉलेज की पार्किंग बनी हुई, मतलब पार्किंग में भी देखो मतलब जगह बनी हुई भाई, गाड़ी वाड़ी खड़ी करने को ऐसा है। और काम है अभी, तो खुलेगा तो 10:30 बजे, 9:15 ही हो रहा है। बाकी अभी बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर यहाँ से मेरी रिटर्न की ट्रेन भी है, रिटर्न का कोई व्लॉग वैसे भी कोई नहीं शूट करता है, ना मैं करूँगा। रिटर्न की ट्रेन मेरी 5:20 की है यहाँ से, जो कि मुझे 11-12 बजे पहुँचा देगी लखनऊ, तो मैं घर पहुँच जाऊँगा अपने 1/2 घंटे में। खाए नहीं आज सुबह से कुछ, नहीं है खाए हैं, मतलब वो होता है ना कि नींद नहीं पूरी हुई है। खाए तो बहुत है, इतना खाएं कि जो जो पैक करके लाए थे तुरंत खत्म हो गया, नींद नहीं पूरी हुई है। नींद क्या, ट्रेन में बिल्कुल नहीं सोया, मैंने व्लॉग बनाया उसमें। और कोई देख ना रहा हो भाई, तवड़ा एकदम बिल्डिंग हुआ, देख रहा हो कहाँ तक है। ट्रेन में तो भाई थोड़ा बहुत खा ही लिए थे हम, कह रहे हैं, और नींद पूरी नहीं हुई। ट्रेन से उतरे, स्टेशन पे जानते हो वैसे भी इतने मच्छर लग रहे थे, तो स्टेशन में रूम मिला नहीं, क्योंकि 10 या 12 बजे तक के पहले चेक इन नहीं कर सकते। मैंने व्लॉग में स्टार्टिंग में बताया होगा, तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 12 बजे हमको चेकआउट करना था, तो कोई मतलब नहीं है 12 बजे चेक इन करने का। तो हमने सोचा अपना काम निपटा लेते हैं, घूमते नींद फिर पूरी होगी। चलो बैक कैमरे पर दिखाते हैं, जाता तुम लोगों को नहीं पकड़ ये, ठीक है, दिखा रहे हैं बैक कैमरे में, जल्दी आओ ना, जाता दिखाएंगे, बहुत बड़ा कॉलेज है हमारा, दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, डोंट वरी ब्रो। पिट भाई, अब उधर से मैं इधर आ चुका हूँ और दिखाऊँ तो वो मेरा कॉलेज का एंट्रेंस गेट है, और ये पूरा जितना वहाँ से दिख रहा है पूरा कॉलेज का ही, और ये भी कुछ बना हुआ है, उसके पहले भी वो हॉस्टल तैयार हो रहा है, अभी बना नहीं है, डेंडिंग वेंडिंग बाकी है। और यहाँ से है अब कभी पूरा कॉलेज मोबाइल में आएगा नहीं, और यहाँ भी कुछ बन रहा है शायद, और वो मेन गेट है बहुत दूर, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। थोड़ा मैं आगे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा है मोबाइल, मतलब एक फ्रेम में आएगा नहीं, तो यहाँ से भी नहीं आएगा, वाइड एंगल भी नहीं लगाया है। अब चलो मैं बैक फ्लिप करता हूँ, दिखाता हूँ, ये रहा, ये है भाई हमारा कॉलेज फ्रंट व्यू जो बाहर से दिखता है, और अंदर चलेंगे, ये नॉर्मल जो भी बोलता है वो टाइम देख लो भाई, रात में बता रहे हैं, दिखेगा भी नहीं इसमें। और वो भाई पीछे तक जितना, वो जो दीवार दिख रही है उसके और पीछे, वहाँ से लेके पूरा वो है, चारों तरफ दिखाऊंगा वो सर जी हमारे, एक प्यारे प्यारे पेड़ पौधे, इतना बड़ा ग्राउंड ये है, इधर पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। और ये कॉलेज है, टोटली एसी रूम है सारे, क्लासरूम जितने भी हैं, और ये सब बना हुआ है। अब चलो मैं डायरेक्ट उधर ही दिखाता हूँ पॉज करके, ठीक है। एक बात और, ये सर जी इतने वो है, मैं वहाँ से आ रहा था, मेरा मास्क गिर गया, और ये आ गया हूँ तब इन्होंने बताया मेरा मास्क गिर गया, तो मैं फिर उतनी दूर जा रहा हूँ यार इतनी धूप में। और देखो बंदा छाता लगा के आ रहा है, और पहले ये सर जी नहीं बता पा रहे थे, बैठे हुए आ रहा फिर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बता रहे हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की क्या जरूरत है भाई। ये अपने मास्क उठा लिया, धीरे धीरे फिर वापस चल रहे। ये रहा हमारा कॉलेज का सिनेमैटिक, ये रहा, ज्यादा अच्छे सिनेमैटिक ले नहीं पाता हूँ, लेकिन ठीक ठाक, कोई बादल है नहीं, नहीं तो और अच्छा दिखता। ये भाई कॉलेज के हम अपने साइड में आ चुके हैं, यहाँ भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं थोड़े बहुत, इधर मैंने भी नहीं देखा था, ये भी कुछ बना हुआ है छोटा मोटा। धूप काफ़ी हो रही है तो मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मनाने की, आवाज़ वैसे भी नहीं निकल रही, नींद में हूँ अब। और वो वहाँ मैं भाई वे, ये पीछे तक वो जो दीवार दिख रही है वहाँ तक है, ये पीछे पता नहीं क्या है, इधर से ही चलते हैं, धूप में चलते हैं। आप लोग दिल्ली से ये देखो पूरा साइड से, और एक वो है हमारी, ये शायद जो भी हो, हमें अभी उतना नॉलेज हमें भी नहीं है, ये कुछ है और वो सेम चीज़ वो भी है, उतना दूर वो भी यहाँ से बहुत होगा, वो देखो काफ़ी बना हुआ है बहुत कुछ, एक वो कुछ बन के तैयार हो रहा है, ये पूरा ग्राउंड बनेगा जैसा कि अभी मैंने बाहर गार्ड से पता किया है, ये जितना भी दिख रहा है ये पूरा गावे, मैसेज भी अभी आना था यार, अभी ये पूरा ग्राउंड बनने वाला है दूर दूर तक, ये देखो ऊपर ही तार है, वो कुछ बना, ये शायद हॉस्टल वॉस्टल जो भी हो, टीचरों का भी रहता है। अब भाई अब मैं वहाँ जाऊँगा तभी व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, धूप बहुत हो रही भाई, पसीना बहुत ज़्यादा निकल आया है। एक
भाई धूप में चलते चलते पूरे पसीने की हालत खराब हो गई है। वैसे भी नहीं नहाया हूँ सुबह सुबह, 9:15 हो गया, 9:20 हो गया, 9:22 हो गया और नहाया नहीं है। अभी फिर मास्क पे गिरते गिरते क्या अरे दुश्मनी है क्या तेरे को मेरे से, पर 3 बार गिर चुका है। हर जगह कैमरे लगे हैं भाई, कैमरे के साथ उसके इन्वर्टर उसका चार्जर टाइप का भी लगा हुआ है, कैमरे ना बंद हो, इतनी सिक्योरिटी बहुत बढ़िया। A few moments later, देखो भाई ब्लॉग करते करते डे 2 हो चुका है और भी टाइम हो रहा है 3:39 और हमारी 5:20 की ट्रेन है पीछे खड़ी है। मैं लखनऊ जा रहा हूँ, जो भाई आया था साथ में दोस्त था, चला गया वो तो उसका इधर ही से थोड़ा फंस चला गया दोस्त के साथ कार से। हमारी ट्रेन खड़ी है 5:20 पे तो मुझे रात में पहुँचाएगी। इसके आगे ब्लॉग कंटिन्यू भी नहीं करूँगा, एंडिंग बस यहीं तक है, इसके आगे कोई मतलब नहीं रखना है, यही दिखा देंगे भाई ये ट्रेन है मेरा भाई पीछे से चलते आ रहा हूँ, मेरा एक कोच यहाँ पे है। इतना कम से कम 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है भाई, इतनी बड़ी ट्रेन है, वो आगे तक चलता हूँ मैं इसका, इसलिए आगे कोई वो नहीं है। मुझे लगता है अभी अंदर थोड़ा दिखा दूँगा मेरी सीट, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगा, यहीं से एंडिंग हो जाएगी मेरी। इतना है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ खड़ा, एक दिन के लिए आए थे, ना अभी ना आए ना धोए, बैग में कपड़े वपड़े सब पड़े हैं भाई, लेकिन अरे भाई ट्रेन स्टार्ट हो गई। 5:20 हुआ नहीं क्या, आवाज़ आई खुद तेज, जा रही हो क्या, छोड़ के नहीं जा रही है भाई हमारी ट्रेन। वो पीछे एसी कोच था और ये सब पता नहीं क्या है, देखो मालगाड़ी टाइप का, और आगे इंजन बंधा हुआ है ऑब्वियसली भाई, इंजन होगा, देखो भाई इंजन से कितना धुआं निकलता है, पूरी ट्रेन काली हो गई देखो गंदगी से भाई, एकदम टेढ़ी खड़ी है। नौचंदी एक्सप्रेस है जो कि भागते हुए चलती है और ये भाई ऐसे आवाज़ कर रही है जैसे जा आ रही हो, आवाज़ कर रहे भाई अच्छा नॉर्मल रेट दे रहा है। इंजन स्टार्ट हुआ होगा ना तभी, तो इंजन के पास तक चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, फिर रिटर्न आ जाएंगे। ये रहा भाई हमारा इंजन, आवाज़ आ नहीं रही होगी, मेरा बहुत मन है इसमें बैठने का लेकिन कोई बैठाएगा नहीं, यहाँ से आवाज़ एकदम भयंकर, वो काफ़ी चलते हैं। और ये है भाई साथी हमारी आवाज़, मेरी भी आवाज़ नहीं आ रही, इतना भयंकर आवाज़ कर रही भाई, इंजन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट रहेगा और टाइम देख लो हो रहा है 4:02, ओ भाई। और ये सर जी हमारे इंजन बनाते हुए वो पीछे ही हॉर्न बजाते हुए, और ये देखो भाई एक उधर से ट्रेन पास हो रही है, ये कितना बड़ा स्टेशन है, ये सब ट्रेन ऐसे ऐसे गई हैं आते वो जाता है, और ये रही भाई आगे से ट्रेन हमारी, वो एक जा रही हो कहीं से आ रही होगी, वो शायद स्लीपर फर्स्ट एसी हो, ये भाई कौन सी है पता नहीं, रंग बिरंगी लग रही है। ये रहा कुछ, ये रहा प्रयागराज संगम। चाहिए एक बात और, हम अपनी वीडियो में एंड में सब्सक्राइब करने को नहीं बोलते हैं, तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, और कब से मेरे 103 सब्सक्राइबर पे अटके हुए हैं, जब नहीं बोलते हैं कुछ नहीं डालते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, जिसमें चूती आप लगता है टाइम पास होता है, तो यार बोलेंगे नहीं तो करोगे नहीं यार, ऐसा कैसे चलेगा यार, कर दो भाई, देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, धूप में पसीना बहा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दिया करो ठीक है बिना बोले, तो वैसे भी बोलता नहीं अच्छा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर दो, मन हो करो मन हो ना करो उसमें तुम्हारी मर्जी है, और बाकी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और बाकी रिएक्शन बहुत तगड़े मिल रहे हैं बैकग्राउंड से। और भाई हम अपनी सीट पे अब चलते हैं, देखते हैं भाई, हमने तो विंडो सीट की थी स्लीपर में यार, अब दिखा रहा है साइड अपर, अगर अपर हो गई तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। चलो अब अंदर सीट भी दिखा देते हैं तब व्लॉग एंड करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, अब बोल रहा हूँ ठीक है, व्यू आते हैं 180, 190, 200 व्यू जा रहे हैं, सब्सक्राइब तुम लोग कर नहीं रहे हो, और एक कोई हेटर है साला वीडियो पढ़ते ही नहीं डिसलाइक कर देता है, कौन है वो भाई, उसको खोद निकालो बाहर ठीक है। ओ भाई रेव कम कर दिया, 47 थोड़ा, ये नहीं एसी चल रही थी यहाँ ठंडा करने के लिए, एसी चल रही इसमें खड़ी ट्रेन में एसी, ये होता भाई तभी 500 रुपये दोगे अंदर जाती पसीना जम जाएगा, 500 रुपये का है, 500 वहाँ पड़ते हैं, इन लोग का हाई चल रहा भाई बहुत महंगे महंगे लेते हैं। चलो फिर डायरेक्ट एंड करते हैं, भाई मस्त हैंग हो, ओ रेव कर दे भाई, भैया एक बार रेव कर दो यार, अच्छा भाई साहब एक नंबर तेरी पौका ले,
रेस लगाएंगे ट्रैक होता है, ये देखो चार्ज हो गए, होता नहीं जो कोई बढ़िया गाड़ी देख लो चार्ज हो जाते हैं ये भी।